हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नेमसेट ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है, ओपन मॉक टेस्ट सीरीज। ओपन मतलब क्या, जो सभी के लिए ओपन रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, टोटली इसका एक भी जो अमाउंट है वो कुछ भी चार्ज नहीं होगा, सभी बच्चों के लिए ओपन है और ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप में से कोई भी जो नेमसेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस जो है अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे किस तरीके से प्रोसेस है, क्या आपका इसका शेड्यूल रहेगा, किस किस पैटर्न के टेस्ट जो है आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो अभी जो एलाइट एडवेंचर्स है वो ला चुका है अपनी नेमसेट ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और अब हम समझते हैं इसकी प्रोसेस। दूसरा, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके नेमसेट के एस्पिरेंट्स हैं, और बताता हूँ आगे की कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भैया टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होंगे। तो सर, ये टेस्ट सीरीज तो है पर इसमें जो पैटर्न ऑफ टेस्ट है वो कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तीन मेजर टाइप के टेस्ट होंगे। पहला आप देख रहे हो फ्यूजन टेस्ट। तो फ्यूजन टेस्ट में लिखा हुआ मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ मैथ्स कंबाइंड। मल्टीपल टॉपिक्स मतलब कैसा, कि यहाँ पर जो है जैसे एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, प्रोग्रेशन आता है, बायनोमियल थ्योरम आता है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एलजेब्रा के अंदर आते हैं। वैसे ही कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस में आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं कैलकुलस में। तो जो आपका एलजेब्रा है उसके अंदर जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं वो एक साथ कंबाइन होके कंबाइंड एलजेब्रा का टेस्ट जो है, या इसके कुछ टॉपिक्स को हमने बाइफरकेट करके जो है मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ मैथ्स कंबाइंड, उस नाम से फ्यूजन टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टॉपिक्स के टेस्ट एक साथ मिलेंगे। जैसे मान लो आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक प्रोग्रेशन का टेस्ट हो गया, फिर एक हो गया बायनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज का टेस्ट हो गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना बना के जो है यहाँ पर फ्यूजन टेस्ट के अंदर टेस्ट होंगे। इसके बाद जो टेस्ट है वो है रिविजन टेस्ट। यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स कंबाइन। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स मतलब क्या, नेमसेट में आपको चार मेजर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो चारों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स है, क्योंकि 60% वेटेज जो है वो मैथ्स का होता है। पर हम दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हम अभी तक जैसे हम आप जहां भी जैसे कोई बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ता है, कोई सेल्फ प्रिपरेशन करता है, तो जहां से भी पढ़ रहे हो वहां पर आपने अभी तक टॉपिक वाइज टेस्ट दिए होंगे उस टॉपिक के। तो जैसे कुछ मैथ्स के टॉपिक हुए, कुछ रीजनिंग के टॉपिक हो गए, कुछ इंग्लिश के पर्टिकुलर टॉपिक हो गए, कुछ कंप्यूटर्स के टॉपिक हो गए, पर कभी भी हम उनको कंबाइन करके नहीं लेते। तो ये जो है नेमसेट के मॉक टेस्ट में लास्ट स्टेज है। उससे पहले हम अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके देखें, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग और कंप्यूटर का हो गया, मैथ्स और कंप्यूटर का हो गया, मैथ्स और इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर और रीजनिंग का हो गया, तो ये जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हमने कंबाइन करके जो है यहाँ पर इसमें टेस्ट रहेंगे। तो जो रिविजन टेस्ट रहेंगे उसमें आप देखोगे कि जब मल्टीपल टॉपिक्स के साथ साथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम किस तरह का परफॉर्म करते हैं, स्विच जब करना रहता है टॉपिक्स के बीच में, सब्जेक्ट्स के बीच में, तो किस तरह से स्विच कर रहे हैं, पहले किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, बाद में किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें सीखने वाले हैं। और उसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनल टेस्ट, दैट इज नेमसेट के जो मॉक टेस्ट है, एक्चुअल नेमसेट के जो टेस्ट है ये आ जाएंगे आपका इसमें। अब यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा कि पेड टेस्ट सीरीज और हमको अलग दिया जा रहा है क्या, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या हमारे डिग्रेडेड रहेंगे क्या, या आसान आसान क्वेश्चन कहीं हमारे टेस्ट सीरीज में तो नहीं रहेंगे, कि फ्री है तो आसान टेस्ट क्वेश्चंस तो नहीं है उस टेस्ट में, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स मैथ्स कभी आसान पूछ लिया कभी रीजनिंग के ठीक दे दिए। तो जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा जैसा नेमसेट का फाइनल आपका एग्जाम होती है वैसे ही, उसी पर बेस्ड रहेगा। और आपको सारी चीजें जो है वहां पर बताई जाएगी, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो भी अभी आने वाले समय में उस पर भी बेस्ड क्लासेस होंगी, किस दिन कौन सा टेस्ट किस टाइम पर होगा ये भी बताया जाएगा। हमेशा जो टेस्ट रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मतलब क्या, कि आपको ऐप के थ्रू देना है, आगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी हम समझेंगे, पर यहाँ पर जो है आपको टेस्ट जो है वो एक ही बार देना है। क्यों, क्योंकि आप बार 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 रिपीट टेस्ट दोगे तो उसमें क्या है आप सही से अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते,
सही एनालिसिस कब होता है, जब आपने एक बार वो टेस्ट दे दिया और उसको इस तरीके से दिया कि वो आपका बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह था, तो आप उसको समझ पाओगे कि कहाँ पर मैंने गलतियां करी है, क्या मेरी मिस्टेक हो गई थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने क्या चीजें जो मिस कर दी थी, कौन से क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे फिर भी मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम किस सेक्शन में कम पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, एनालिसिस करने को मिलती है जब हम एक्चुअल मॉक टेस्ट देते हैं। तो इसीलिए इसको वन टाइम हमेशा रखा गया है। तो जो भी टेस्ट का टाइम और शेड्यूल रहेगा वो सभी आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप में आपको एक बैच में ऐड किया जाएगा। एक बार हम इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी समझ लेते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि कौन बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो सेल्फ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं NIMSET 2023 में, जो भी बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो नंबर वन पे। सेकेंड, जो हमारे ऐप के बच्चे हैं वो खुद भी इसको दे सकते हैं। थर्ड, जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो कहीं और टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है, तो ये भैया जो पूरी टेस्ट सीरीज है वैसी भी फ्री है, तो आपको एक भी पैनी इसके लिए जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया कुछ नहीं करनी है, आपको फ्री में टेस्ट देने हैं। बस आपको करना ये है कि इन टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है और बहुत संभल के देना है, मतलब ऐसा समझ के चलो कि ये मॉक टेस्ट जो है वो NIMSET के एक्चुअल एग्जाम की तरह है। तो यहाँ से जो गलतियां हो रही है उनको सीख लेके हमको सुधारते हुए धीरे 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 करके आपको एग्जाम की तरफ पहुंचना है। तो ये सभी बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं सभी देने के लिए। अब NIMSET 2024 और 25 के बच्चे इसमें रजिस्टर न करें, क्योंकि ये जो है 23 के लिए टेस्ट सीरीज है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप 24 और 25 वाले जो बच्चे हैं वो इसमें रजिस्टर न करें। अब एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी समझ लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट जो इस तरीके की, हेड ऑन टू www.allied-adventures.com है ना, फिर गो टू एग्जाम प्रिपरेशन एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर वहां से इंस्टॉल करके आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है एलीट एडवेंचर्स नाम से, और फिर यू विल बी एडेड टू डेडिकेटेड बैच। एक बार इस प्रोसेस को हम समझ भी लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये है हमारी वेबसाइट www.allied-adventures.com, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेन्यू है ये यहाँ पर केवल है, तो ये डेस्कटॉप वर्जन है, इसमें आपको यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है। अगर आप फोन में खोलते हो तो फोन में यहाँ पर एक 3 लाइंस बनी हुई आएंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब इन ऑप्शंस में से आपको जाना है प्रिपेयरिंग फॉर MCA एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर MCA एंट्रेंस। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का खुलेगा आपके पास पेज, ठीक है। अब पेज खुलने के बाद यहाँ पर एक एनरोल नाउ का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो एनरोल नाउ पे आप क्लिक कर लो। एनरोल नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा। फॉर्म में क्या है, आपका फुल नेम लिखना है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, आपको अपना फोन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर वही लिखना जो आप ऐप पर रजिस्टर करते टाइम लिखोगे। दूसरी बात ये, कई बार बच्चे क्या है मोबाइल नंबर गलत लिख देते हैं, तो गलत इसलिए मत लिखना क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एंटर द मोबाइल नंबर फॉर OTP वेरिफिकेशन, तो क्योंकि उस पर OTP आएगा तो आप गलत फोन नंबर मत लिखना, क्योंकि वो ऐप पर भी सेम रजिस्टर होगा तभी आपको बैच में ऐड किया जाएगा। तो इसलिए फोन नंबर जो है आप सही लिखना ताकि OTP उस पर आ सके। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, और फिर आपका एक प्रोफाइल पिक्चर है ना, तो आपका एक पासपोर्ट साइज का जो भी पिक्चर वो आपका, वो आप यहाँ पर फाइल चूज करके डाल सकते हो। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट, ये सबमिट हो जाएगा, डेटा हमारे पास आ जाएगा। विदिन 24 आवर्स जो है वो टीम जो है हमारी वो आपको ऐड कर लेगी बैच में। यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी, सबमिट करने के बाद आपको जो है एलीट एडवेंचर्स की ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल करोगे आप वहां पर, आपको विदिन 24 आवर्स इस डेटा के बेसिस पर और आपका जो फोन नंबर वहां पर आपने रजिस्टर किया है वो मैंने इसीलिए बोला कि सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ वाला नंबर और वहां वाला नंबर दोनों सेम रहेगा और वहां पर OTP वेरिफिकेशन होता है, तो जो सेम नंबर रहेगा वहां से आपको ऐड कर लिया जाएगा बैच में, और बैच के बाद आपको रेगुलरली वहां पर नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे कि किस तरीके से जो है आपके टेस्ट होंगे, किस दिन क्या शेड्यूल रहेगा, किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, किस टेस्ट का टाइमिंग कब है, तो वो सारी चीजें जो है आपको वहां से पता चल देंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है इसको देख सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सके। हम इसको ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट सीरीज अगर बनाना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पार्टिसिपेट करके इसमें एनरोलमेंट करेंगे उतना उनके लिए फायदा रहेगा। अब आपको इसमें पे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर डेडिकेटेडली
सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर टेस्ट देना है और टेस्ट का एनालिसिस सही ढंग से करना है। उसका भी तरीका मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कोर्स के मतलब जो बैच आपको RWC के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है इसका एनालिसिस का तरीका रखना है। ठीक है, तो टिल दैट टाइम आप टाइम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कम बचा है, तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करो और जैसे ही आप बैच में ऐड हो जाते हो तो जैसे आज क्या है, आज मान लो कि आज आपने ये फॉर्म भरा तो रात तक जो है टीम सारे बच्चों का एक डेटा बना के उसको एक साथ ऐड कर लेगी, तो विद इन 24 आवर्स जो है आप ऐड हो जाओगे। तो आप ये मत आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो ताकि आपके फ्रेंड्स और आप सभी मिलकर एक NIMCET की मॉक टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से दे पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, अपने आप को एनालाइज कर पाओ, टेस्ट कर पाओ कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी और मेहनत करना बाकी है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां जिनको हम रेक्टिफाई करके हमारे स्कोर जो है बूस्ट अप कर सकते हैं। टिल दैट टाइम प्रिपेयर जो प्रिपरेशन जिस भी हिसाब से आप कर रहे हो आप करते रहो, लगातार उसमें मेहनत करते रहो ताकि एट द एंड आपको ये रिग्रेट ना हो कि ये जो गलती थी मैं नहीं सुधार पाए, इसके कारण जो है रैंक अफेक्ट हो गई या सिलेक्शन अफेक्ट हो गया, तो वो सारी चीजें जो है आप इसके थ्रू दूर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।